गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने घरों में खुश आबाद रखे। मैं उठी और मैंने किचन में नज़र दौड़ाई तो मुझे पता चला कि मम्मा बना रही हैं केक, और देखते हैं जी मम्मा किस तरह से केक बना रही हैं। बाकी सारा कुछ तो मम्मा ने कर लिया हुआ है और अब बस मेरे ख्याल से उसे बेकिंग के लिए रखने लगी हैं। ये देखें, आई होप सो कि बहुत मज़े का बनने वाला है। और जब ये बेक हो जाएगा फिर आप खाती हूँ। और मैंने और मम्मा ने कमिटमेंट किया है कि मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी और मम्मा बेक करेंगी। कितनी देर रखना है इसको? उल्टा ढक्कन रखना है, वो ज़्यादा हो गया ना इसको? नहीं। और जी आपको बताएं, हमारा केक तकरीबन पकने के करीब करीब ही है। हमने थोड़ा चेक किया था बट ना हमारा केक बहुत ही अच्छा पक गया, पर ना भी थोड़ा सा गोल्डन होना बाकी है। तो मम्मा नमाज़ पढ़ी, मम्मा कहेंगी मेरी नमाज़ पढ़ने तक हो जाएगा गोल्डन, और मम्मा ने नमाज पढ़ लिया। तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं किस तरह का बना। मम्मा जल्दी से आ जाओ, मेरे से सबर नहीं हो रहा। पता नहीं मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ इस केक को लेकर। तो जी हमारा पीछे जो कच्चा पड़ा है उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अभी हमारा ये सारा काम की इधर पड़ी हुई है, बाद में इसे समेटेंगे। तो मम्मा जी से डिमोल्ड करने लगी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पर ऐसे टैप टैप करो। गर्म नहीं है? गर्म है, क्यों नहीं है? तो हाथ क्यों लगा रही हो? आ गया, वाओ, लुक एट दिस, कितना प्यारा केक है माशाल्लाह। हाँ ऊपर से बेकिंग पेपर तो उतारो क्या? अभी ठंडा करके उतारना, ठंडा करके उतारना ना करो, ठंडा हुआ तो चिपक जाएगा। माशाल्लाह मम्मा, आज हमारे मतलब का केक बन गया है ना माशाल्लाह। बस प्रेस करके दिखाएं, लुक वाओ। तो जी हम, मैं और मम्मा गए थे बाज़ार क्योंकि हमें थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वो लेने गए थे, ये हमारा ये वाला केक है, मैंने दरमियान से कट कर दिया। और जो इसके नीचे है ना ये वाला, ये हमने दोबारा बेक किया है। ये सॉफ्ट ही है, ये जला हुआ नहीं है, पर इसका कलर थोड़ा गोल्डन हो गया है। और ये भी हमने इसको लगाना ताकि थोड़ा हाइड्रेट हो जाएगा। और क्रीम को व्हिप करते हैं, हमें व्हिप की चाहिए थी पर वो हमें क्रीम मिली नहीं, और हम पैराडाइज की लेके आए हैं। इस दफ़ा हम टेस्ट करते हैं कि पैराडाइज वालों की कैसी है क्रीम। तो जी अब हम केक की डेकोरेशन शुरू करते हैं। क्रीम मैंने व्हिप कर लिया बहुत अच्छे से, टाइम भी लगा क्योंकि वो फ्रीज हुई थी। और यहाँ पर आपको जो ये आटा आटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा शेफ़ द वन एंड ओनली मेरी मम्मा पिज़्ज़ा शेफ़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और पहले हम इसके ऊपर जो हमने बनाया है अपना सिरप, वो मैं इसके ऊपर शावर करूँगी। और मुझे लगता है कि स्पून के साथ सही होता नहीं है, तो इसलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ ताकि हमारा जो केक है बहुत ही मीठा मीठा और मज़े का बने। तो मैं आपको क्रीम भी दिखाती हूँ। क्रीम मैंने की है जी इस कलर में, ये एक ड्रॉप मैंने जेल कलर यूज़ किया, एक ड्रॉप मैंने ग्रीन कलर डाला है और एक ही ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाला है ब्लू कलर। उन दोनों का मिक्सचर बन के ये वाला कलर बना। मम्मा बताओ इतना बहुत है? ठीक है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी क्रीम। क्रीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब डालेंगे क्रीम। मैं तो बहुत अच्छी शायर बन गई हूँ। और पीछे मम्मा मेरी तसले धो रही हैं इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। लीजा केक यहाँ पे बन रहा है। मैं चाहती तो इसमें वाइट डालती, वाइट अंदर डाल देती, कोई मसला तो नहीं था। पर ना मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि ना मैंने कलर डाल के पहले व्हिप कर लिया, मुझे वाइट वाली अलग से व्हिप करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं डाल रही। और जो हमने बाद में केक बनाया वो भी इसके ऊपर लेयर रखूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी, आपकी शर्ट को लग गया थोड़ा सा क्रीम मेरी। अब हाँ कुछ नहीं, नहीं टच ही हुआ बस। अब इसके ऊपर भी शावर करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया शावर, ज़्यादा डालना। इसके ऊपर हम शावर करेंगे और हमारी फोर्थ लेयर भी रेडी होगी। मम्मा सारा पानी साइड पे जा रहा है, ऊपर करके शावर करो मेरा पानी। ये एक हमारा ये पिज़्ज़ा और एक इसके अंदर है। तो जी नाज़रीन आपको दिखाती हूँ कि हमने ना केक की ये इतनी कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया है, और ना इसके ऊपर अभी हमने फाइनल कोट करनी है। मैंने इसलिए फ्रिज में रखा क्योंकि अभी बाहर तो गर्मी है, अब ये थोड़ी सी हार्ड होगी ना, फिर उसके ऊपर हम डबल कोट करेंगे। और जो क्रीम है वो भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया यहाँ पर, और ये जब ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर, मैंने ये क्रेप चॉकलेट भी ली थी ये भी हम इसके ऊपर लगाएँगे, और फिर बाद में जब बाकी की डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे वो आपको दिखाएँगे। क्या करो ना, अभी अंधेरा आ रहा है क्योंकि रात हो चुकी है। तो आपको बताते हैं मैंने इसके ऊपर कोटिंग की है। अब हम ना कार्ड हमारे पास एक पड़ा हुआ है किसी शॉप का, हम उस कार्ड की हेल्प से वो हमने साफ़ कर लिया, वह उस कार्ड की हेल्प से हम इसे नीट करेंगे।
ताकि बहुत ही प्यारी सी शेप आए इस पे, और साथ साथ मैं कार्ड को साफ कर दूंगी। मैंने पहले कभी बनाया तो नहीं है, पर वीडियोस देख देख के थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो जी अब साइडों से मम्मा नीड कर रही हैं, और हमारे पास जो नीचे वो रोलर होता है वो नहीं है, तो उस फैसिलिटी की वजह से, ना होने की वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, पर हमारा इंशाल्लाह उसके बगैर भी बहुत मज़े का बन जाएगा। ये मैंने जो क्रीम का कलर लगाया है ना, मैंने बाबा को देख के लगाया कि तो नाजरीन अब हम बहुत ही मुश्किल मशक्क़त के साथ ड्रिपिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। पतला कर ले पुत्र। मम्मा किसके अंदर पतला करूं? तो जी हमने इसके ऊपर ड्रिपिंग कर ली है। अब इसके ऊपर जो हमने थोड़ी सी कलाकारी दिखानी है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कभी की नहीं है, पर ना पंगे लेती रहती हूँ। लेट्स सी। ऐसे बाहर की तरफ नहीं जाओ। फासले पे ला के करना। तो जी नाज़रीन मेरा केक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और मैंने ऊपर लिख दिया लाला जी तुसी ग्रेट हो, और बहुत ही मज़े का बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। फिर जब ये कटिंग होगी फिर आपको दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।